जिला स्तरीय जनसुनवाई तथा जिला जन अभाव योग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक गुरुवार को जिला कलेक्टर लोकबंधु की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित हुई। जनसुनवाई में कई फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। जिला कलेक्टर ने आमजन की समस्याएं सुनकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। जनसुनवाई में उपखंड मुख्यालय के समस्त अधिकारी और परिवादी अपने अपने क्षेत्र में पंचायत समिति कार्यालय के VC रूम से जुड़े रहे। त्रिस्तरीय जनसुनवाई में प्राप्त परिवेदनाओं पर अधिकारी गंभीरता के साथ कार्रवाई कर उनका त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें, क्योंकि ये सरकार की सुशासन की परिकल्पना को साकार करने का सशक्त जरिया है। ये निर्देश जिला कलेक्टर लोकबंधु ने गुरुवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान अधिकारियों को दिए। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव भी मौजूद रहे। इस मौके पर जिला कलेक्टर लोकबंधु ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आमजन की परिवेदनाओं के त्वरित समाधान हेतु त्रिस्तरीय जनसुनवाई की व्यवस्था प्रारंभ की गई है, जिसे गंभीरता से लेते हुए ब्लॉक स्तरीय अधिकारी पंचायत स्तरीय जनसुनवाई का प्रभावी पर्यवेक्षण करें। साथ ही जीरो प्रकरण वाली पंचायत स्तरीय जनसुनवाई पर जवाबदेही तय करें। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर एवं उपखंड स्तर पर प्राप्त होने वाली शिकायतों की जांच करवाकर पंचायत और उपखंड स्तर से समाधान योग्य समस्याओं का वहीं निस्तारण करें, ताकि परिवादियों को जिला मुख्यालय तक नहीं आना पड़े। कलेक्टर ने कहा कि आज की जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरण अगली सुनवाई से पूर्व निपटाए जाएं। सरकारी रास्ते कहीं पर भी बंद नहीं हो, अतिक्रमण होने पर त्वरित कार्रवाई कर हटाया जाए। उन्होंने लंपी स्कीन गायों की बीमारी के बारे में पशुपालकों को जागरूक करने को कहा। उन्होंने वर्षा के मौसम के मद्देनजर तालाब नाड़ी खड़ीन पर बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने जनसुनवाई में आए परिवादियों के विभिन्न मुद्दों से जुड़ी परिवेदनाओं को धैर्य के साथ सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई कर परिवादियों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न समस्याओं से जुड़े 40 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिन पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे, वहीं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी VC के माध्यम से जुड़े रहे।